राजस्थान सरकार के स्कूलों के एकीकरण के फैसले का राज्य के कई जिलों में विरोध हो रहा है, जिसके चलते अभिभावक हंगामा कर रहे हैं। देखिए समय राजस्थान की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के स्कूलों के एकीकरण के फैसले का राज्य के कई जिलों में विरोध हो रहा है। इसके पीछे वजह स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानी है। एकीकरण से कई स्कूल खत्म हो जाएंगे और बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अभिभावकों के मुताबिक इससे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होगी, साथ ही वक्त भी बर्बाद होगा। कोटा में स्कूल एकीकरण का विरोध। कोटा के किशोरपुर उच्च प्राथमिक स्कूल को साजीदेहड़ा उच्च प्राथमिक स्कूल में मर्ज किया गया है। इसके विरोध में अभिभावकों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सभी बच्चे संजीदेहड़ा उच्च प्राथमिक स्कूल में गए तो वहां के स्टाफ ने उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद अभिभावक बेहद नाराज हो गए। अभिभावक स्कूलों को मर्ज होने देना नहीं चाहते हैं। अभिभावकों ने विरोध जताया, यहाँ गेट पे ताला लगा दिया है और जिला प्रशासन से मांग की है कि भाई इस स्कूल को जो है वहाँ शिफ्ट नहीं किया जाए। अगर यहाँ के बच्चों को, या करीब 300 बच्चे यहाँ पर, नतीजा यहाँ के गरीब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इसका जिम्मेदार कौन है? आज ये बच्चे बता रहे कि वहाँ टीचरों ने इनके साथ मारपीट कर लिया, बच्चों को भगा दिया। ये अमानवीयता है बिल्कुल, और इसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हनुमानगढ़ के लोग सरकार से नाराज। स्कूलों के एकीकरण के फैसले के विरोध में हनुमानगढ़ के धोलीपाल गांव के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्कूल में ताला जड़ दिया। लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि सरकार एकीकरण के नाम पर छोटे बच्चों के स्कूलों को बड़े बच्चों के स्कूलों के साथ मर्ज कर रही है। ये स्कूल बंद नहीं होने देंगे, हम दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते। हमारी मैडम हमारी बहुत ख्याल रखती है और हमें अच्छा पढ़ाई होता है और हमें ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है, हम दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते। अजमेर में स्कूलों के एकीकरण का विरोध। अजमेर में पलटन बाजार की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को सरकारी स्कूल में मर्ज किए जाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर भवानी सिंह को ज्ञापन सौंपकर स्कूल को मर्ज नहीं करने की मांग की है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी की थी। मैं पलटन बाजार से आई हूँ, मेरे बच्चे पलटन बाजार स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब परिवार से हैं हम, तो पलटन सरकार से गुजारिश है कि स्कूल को पलटन बाजार में ही रहने दीजिए। आगे अगर स्कूल को आगे दूर भेज देंगे तो बच्चों को हम पढ़ाने दूर नहीं भेज सकते, हम गरीब परिवार से हैं, हम प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। चित्तौड़गढ़ में स्कूलों में ताला जड़ा। एक तरफ शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार स्कूलों का एकीकरण कर रही है, वहीं कई स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तक नहीं है। चित्तौड़गढ़ के आछोड़ा गांव में इसी बात से नाराज होकर लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। यहां भी अभिभावक स्कूलों के एकीकरण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। उसमें भी कभी मान लो 5-7 दिन महीने में छुट्टी दिला देता कोई सर, तो दिक्कत आती पढ़ाई में। ये है मेन चीज। टीचर और बड़ा पीटीआई टीचर वगैरह और पीटीआई नहीं है। मामला है कि स्कूल व्यवस्था की कमी है, टूर्नामेंट भी नहीं होते हैं, खेल की व्यवस्था नहीं है, खेल सामग्री नहीं है, मैदान भी कम्प्लीट नहीं है और बहुत सारे समस्याएं हैं। बहुत बार कहा भी आगे लेकिन सुनवाई भी नहीं होती। स्कूलों के एकीकरण के राजस्थान सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने 15 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। लक्ष्मण सारंग की एक याचिका पर ये रोक लगाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर अपना क्या रुख अपनाता है और सरकार स्कूलों के एकीकरण के विरोध को कितना सही मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय राजस्थान।